रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली के मेम्बर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे हंसते मुस्कुराते अपनी लाइफ को एंजॉय करते होंगे। तो एमीज़ वर्ल्ड आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। हम लोग गए थे लॉग बिरसा, वहाँ का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या क्या हम लोगों ने किया है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग लाइक कर दें और जो न्यू है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। अच्छा जी, हम लोग घर से तो निकल चुके हैं। अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया गाड़ी के अंदर बैठकर ही कि हम लोग लॉग बिरसा जाएं या फिर कहीं और जाएं। लेकिन फिर हमने सोचा कि एक प्लान बनाया हुआ है तो वहीं पर जाना है ना। तो हम लोगों का प्लान यही है कि हम लोग लॉग बिरसा जाएंगे और वहां से ही वापस आ जाएंगे। तो चलते हैं आपको साथ लेकर वहाँ पहुँच कर आपसे मुलाकात करते हैं। अच्छा जी, हम लोग अभी उधर नहीं पहुंचे लॉग बिरसा, उससे पहले ही हम लोग एक पार्क के बाहर खड़े हो गए। और ये जो है ये डायनासोर को देखकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। और हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए, हम लोग यहाँ पर फिल्लूदी के लिए खड़े हुए। लेकिन इसके बिल्कुल 10 में से 6 भी नहीं, 5 देने चाहिए, बट चलो कोई नहीं, 6 नंबर दे ही देते हैं। क्योंकि बहुत ही अजीब था, मतलब खाया था बट सही मज़ा नहीं आया था हम लोगों को। चलें जी, उसके बाद हम लोग निकल गए लॉग बिरसा पहुंच के। और ये बाहर के स्टॉल्स थे वहाँ पे, जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह उन्होंने लगाई हुई थी। तो हम लोग चलते हैं अब अंदर और अंदर चल के आपके साथ मिलते हैं। अच्छा जी, हम लोग इस बग्घी पर बैठने का, बग्घी कहते हैं आई थिंक इनको, घोड़े के पीछे सीट्स होती हैं बस उसको कहते हैं। पहले दौर में पता नहीं क्या कहते थे बट अब बग्घी की टाइप कुछ कहते हैं। तो उस पर हम लोग बैठे, बहुत ही मज़ा आया और ऐसे फील हो रहा था हम लोग बहुत ऊंचे ऊंचे हो रहे हैं। और इतना अच्छा लग रहा था कि आपके साथ फीलिंग क्या शेयर करें। पहली बार बैठे थे और घोड़ा मतलब जाते हुए तो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा है, बट आते हुए की वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि आते हुए इतनी स्पीड से ये ड्राइवर इसका लेकर आया कि बस जाते हुए तो हम लोग ट्रेन पे थे और आते हुए हम लोग जहाज़ की स्पीड से आए, ये हिसाब हुआ हमारे साथ। लेकिन बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लग रहा था, पूरे पार्क का चक्कर घुमाया बट अंकल ने मज़ा ही करा दिया, बहुत ही मज़ा आया था। तो हम लोग जब बग्घी से उतर चुके तो उसके बाद मैं आपको इसके शॉट दिखा रही हूँ कि किस तरह ब्यूटीफुल इन्होंने कलर किया हुआ, कितनी प्यारी सजाई हुई थी। और बाबा जी बैठे हुए हमारे हुक्का पी रहे थे और हम लोग इनको इन्जॉय करते हुए देख रहे थे, यानी कि कार्टून्स बने हुए हैं, रियल में कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं हम अब अंदर और यहाँ से हम लोगों ने टिकट्स वगैरह लेने थे और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ डोर्स बाहर की तरफ से। अब अंदर हम लोग चलते हैं। तो अंदर बहुत ही प्यारी, बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं और पुराने ज़माने का जो सारा कुछ है वो सब इन्होंने रखा हुआ है ताकि लोगों को यहाँ तक याद रहे और एक यादगार बनी रहे हमारे लिए। तो बहुत ही प्यारी चीज़ें थी। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनकी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ तो मैं डर रही थी कि शायद मुझे वीडियो वगैरह बनाने की इजाज़त ना मिले, तो मैं इस होप से नहीं बना रही थी। लेकिन बस जब मुझे पता चला तो मैंने कैमरा उठाया और फिर मैंने तब तक बंद नहीं किया जब तक मैं घर नहीं आ गई। तो मुझे बहुत ये चीज़ अच्छी लगी कि इतनी प्यारी जगह पर, इतनी ट्रेडिशनल जगह पर इन्होंने वीडियो बनाने की इजाज़त दे दी। वैसे तो मॉल्स वगैरह में नहीं देते और दूसरी भी जितनी भी जगह होती हैं वहाँ पे भी इजाज़त नहीं होती। अच्छा जी, देखने का तो मैं भी ये चीज़ें इंजॉय कर सकती थी अकेले, बट मैंने सोचा कि अपनी YouTube फैमिली के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए ना, उनको भी साथ दिखाना चाहिए कि जो लोग जहाँ नहीं आए वो लोग YouTube पर भी देख लेंगे, जो लोग बिरसा नहीं है इस्लामाबाद में है और आप लोग यहाँ आए और आकर यहाँ पर लुत्फानंदोज़ हो। बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं, बच्चों के साथ आती हैं, अकेले फैमिलीज़ आती हैं, बहुत अच्छा लगता है, लोग यहाँ पर पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोज़ बनती हैं। तो ये देखिए इतने प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन भी है, कुछ काम भी कर रहे हैं और ये साथ इन्होंने जो
कार्टून से बनाकर रखे हुए हैं ना, इन्होंने इसीलिए बना के रखे हुए हैं आपको फॉर एग्जांपल देने के लिए। और साथ इन्होंने पूरा मेंशन भी किया हुआ है क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब इन्होंने रखी हुई हैं। और बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ देख कर। जिन बच्चों को नहीं पता होता ना, कुछ लोग बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वो लोग सोचते हैं क्या कुछ होगा, तो वो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब बच्चे भी आते हैं यहाँ पर। तो ये देखे जी, इतनी इतनी प्यारी इन्होंने डॉल्स वगैरह बनाई हुई, इतने इतने प्यारे इन्होंने ट्रेडिशनल उनको कपड़े पहनाए हुए, और बहुत अच्छा लग रहा था सब आप लोग ने देखा। और ये भी देखें, एक और भी हैं दो किस्म की, और ये कौन है ये आपको बताते हैं, ये है हीर रांझा, जिनका आपको पता होगा, कुछ लोग इनकी स्टोरी बहुत जोक से सुनते हैं। तो ये है जी हीर और रांझा, और ये इन्होंने बनाए हुए थे, और नेक्स्ट भी इन्होंने बनाए हुए हैं ये। और तरह तरह के लोग यहाँ पर आके इनके साथ पिक्चर्स भी ले रहे थे, हम लोग ने भी इनके साथ पिक्चर्स ली, बट वो फैमिली पिक्चर्स थी, आपके साथ शेयर नहीं की। जी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये लोग देखने तो देते हैं, पिक्चर्स भी आप मिरर के साथ बनवा सकते हैं इनके साथ, बट किसी भी चीज़ को आप हाथ नहीं कर सकते, जो डिस्प्ले हुई हुई है उसको टच नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी मेहनत से और इतनी मतलब इन्होंने प्यार से इतनी अच्छी करके रखी हुई होती है, इतनी मेहनत होती है इन पर, तो इसी वजह से ख़राब हो जाती है ना अगर हाथ वगैरह लगे या कोई चीज़ उठाएं वहाँ से। तो इस वजह से बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। और इन्होंने ये देखे इतने प्यारे प्यारे, पहले दौर में ये ना शादियों पर तकरीबात होती थी वहाँ पर, और ये कार्टून्स वगैरह लगा कर और ये हंसाने के लिए लोगों को करते थे, और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। पता नहीं लस्सी बना रही है, नई नवेली दुल्हन से काम करवाया जा रहा है, आजकल तो नई नवेली दुल्हन इतनी जल्दी काम ही नहीं करती, और पहले दौर में तो वो लस्सी बना रही थी। खैर आप लोग साथ साथ एंजॉय करते रहे। तो ये जी शादी हो रही है एक, और हम भी इस शादी में शामिल हो गए, जाकर बुलाया नहीं था बट हम लोग चले गए खुद ही। तो ये दुल्हन, ये मैं समझ रही थी नीचे दूल्हा बैठा हुआ, बट दूल्हे का फेस कवर हुआ हुआ है और दुल्हन का फेस कवर नहीं हुआ हुआ। ये जी हमारी दुल्हन बैठी हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही थी, और हम लोग ने भी स्नैप्स वगैरह ली इनके साथ। हम लोग को बुलाया नहीं, बट बिन बुलाए मेहमान होते हैं ना, वो हम लोग चले गए। अच्छा जी, इनका तो आपको पता ही होगा कि ये कौन है, कायदे आज़म है हमारे मुल्क के रहनुमा। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सब देखकर। और ये जो है, ये पाकिस्तान की जितनी भी तकरीबात होती है ना, जितनी भी शादियां होती हैं, उन पे जो ड्रेसेस पहनते हैं ना, वो इन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं। और पता नहीं सिंधी बलोची और जितने भी ड्रेसेस हैं वो सारे इन्होंने शेयर किए। और ये जी बेनज़ीर भुट्टो जो पीपी के सपोर्टर्स हैं उनके लिए, तो ये जी हम लोग को भूख लग गई थी, अब फिर के हम लोग थक गए थे, हम लोगों ने कहा बहुत घूम फिर लिया, अब हम लोगों ने कुछ खाना पीना है। तो क्या खाना है, हम लोगों ने पापी ऑर्डर किए, साथ में गोल गप्पे ऑर्डर किए, और ये जी निशाने लग रहे थे वो हम देख रहे थे। तो जी गोल गप्पे हमारे आ चुके हैं, बहुत ही यम्मी और बहुत ही लजीज गोल गप्पे थे, बहुत मज़ा आया। आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा, आई नो। तो चलते हैं, अब निशानाबाजी भी थोड़ी सी कर लेते हैं, बच्चों ने भी शोर डाल दिया जी, हम लोगों ने निशाने लगाने हैं। तो एक छोटा सा बच्चा है और ये जी निशाना लगा रहा है, निशाना इसका लग। अच्छा जी, हम लोग उसके बाद लोग फिर से के बाद पार्क किए थे, और फिर हम लोगों आकर डिनर किया, और बहुत ही मज़े का डिनर था, हॉट एंड चिली का, और बहुत ही अच्छा इन्होंने खाना बनाया हुआ था, बहुत ही मज़ा आया घूम फिर कर, काफ़ी भूख लग गई थी हम लोगों को, और बहुत इंजॉय किया था। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, जजाक अल्लाह। बहुत सारे ब्लॉग्स देखने
करने का, लाइक एंड कमेंट शेयर करने का, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलती हूँ, एक नए ब्लॉग के साथ आऊँगी, एक नई रेसिपी के साथ। तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, आप लोगों के साथ मैं शॉर्ट वीडियो शेयर करती हूँ, उसको भी लाइक कर दिया करें, कमेंट भी किया करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।